दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अपना पीएनएल दिखाइए। मैं कहता हूं कि पीएनएल क्यों दिखाना है, अगर हम सगे रिश्तेदार को अपना पीएनएल नहीं दिखाते, ये नहीं बताते कि हम क्या कमा रहे हैं, तो पब्लिक फोरम में आके पीएनएल दिखाने का लॉजिक क्या है? उस पीएनएल से क्या आप ये मैच कर पाएंगे कि सामने वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर का रिस्क एपेटाइट क्या है? क्या आपको ये पता लगेगा कि वो कितना पैसा और लगा सकता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, सबसे बड़ी बात उसका इमोशंस क्या है? दो इमोशंस मार्केट को ड्राइव करते हैं, एक ग्रीड और एक है फियर। क्या आप उसके ग्रीड को और उसके फियर को मैच कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो प्लीज इस ब्लफ में बैठना बंद कर दीजिए कि अगर सामने वाला कमा रहा है तो आप भी कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। अगर आप ये सब चीजें प्रैक्टिस कर पाएंगे, शिद्दत से बाजार के पीछे पड़ेंगे, एक स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उस पर बैक टेस्टिंग करेंगे, आई रियली प्रॉमिस कि आपको कोई हरा नहीं सकता। होप दैट हेल्प्स।